हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में। तो काफ़ी दिनों से मुझे वीडियो इन पर बनाना था, इनके पोर्टफोलियो पर वीडियो बनाना था, लेकिन समय नहीं मिल पाया या वो टॉपिक सही से मिल नहीं पाया कि किस तरीके से बनाना है, क्या है। तो आज मैं इन पर बना रहा हूँ और आज आपको पता होगा कि अभी वो हमारे बीच में नहीं है। उनका कल ही लास्ट डे था, यानी 14 अगस्त 2022 को वो पास्ट हुए हैं और वो इस दुनिया में नहीं है अभी, ठीक है। तो मैं उनके जो भी इन्वेस्टमेंट है या उनके बारे में थोड़ी जो लोगों को पता नहीं है उनको डिटेल में देना चाहूँगा। और हमारे इंडिया के वन ऑफ द बहुत फाइनेस्ट और बिगेस्ट इन्वेस्टर ये है और उन्होंने शेयर मार्केट से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया है। तो इन पर एक वीडियो मेरे चैनल पे मुझे बनाना था पहले से, लेकिन आज मैं उन पर ये वीडियो ला रहा हूँ और इससे आपको कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा, सीखने मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि इससे कुछ ना कुछ आप अच्छे से सीख जाओ और अपने लाइफ में वो चीज़ें यूज़ करो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर उनके बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं कि उनके बारे में क्या। यहाँ पर विकिपीडिया से मैं बताऊँगा, क्योंकि जो मेन डेटा है, मैं डेटा पे बिलीव करता हूँ, जो डेटा हमको कहता है वही डेटा मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो यहाँ पर आप को दिखा देता हूँ कि इनका जो भी डेटा यहाँ पर विकिपीडिया पे है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके पास ला रहा हूँ। तो राकेश झुनझुनवाला जी का जन्म हुआ है 5 जुलाई 1960 में और लास्ट दिन उनका डेथ हुई है उनकी 14 अगस्त 2022 में, ठीक है। ये इंडिया के बिलियनियर थे, बिजनेस मैग्नेट थे, स्टॉक ट्रेडर थे एंड इन्वेस्टर, ठीक है। ही बिगेन इन्वेस्टिंग इन 1985 से वो शेयर मार्केट में है, ठीक है। मतलब देख लो, 1960 का जन्म है और 1985 से वो मार्केट में है, यानी लगभग उन्होंने मार्केट में 25 साल की उम्र में आए, जस्ट कैपिटल ऑफ 5000 यानी 5000 रुपए लेके आए और उन्होंने विद हीज फर्स्ट मेजर प्रॉफिट इन 1986, एक साल के अंदर उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया। और वो प्रॉफिट क्या है ये भी हम आगे बात करेंगे। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही हैड एस्टिमेटेड नेट वर्थ 5.8 बिलियन। अगर आप 5.8 बिलियन को अभी कैलकुलेट करोगे तो 40,000 करोड़ के ऊपर की वैल्यू बन के आएगी, ठीक है। तो 40,000 करोड़ तक मार्केट से इन्होंने कमाया है जस्ट इन्वेस्टमेंट से, ये काफ़ी बड़ी बात है। मेकिंग हिम द 438 richest पर्सन इन द वर्ल्ड, यानि 438वें रैंक पे आते हैं, नंबर पे आते हैं ये वर्ल्ड के richest मैन के अंदर, ठीक है। और ही वॉज अ पार्टनर इन हिज ओन असेट मैनेजमेंट फर्म, रेयर इंटरप्राइजेस नाम से उनकी फर्म थी जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करते थे, जिसके बिहाफ पे। बिसाइड बीइंग एक्टिव इन्वेस्टर ही सर्व अ चेयरपर्सन एंड डायरेक्टर सेवरल कंपनीज के अंदर, वो चेयरपर्सन भी थे, डायरेक्टर भी थे। ही वॉज ऑल्सो अ फाउंडर ऑफ अकाशा एयर, वो अकाशा एयर के फाउंडर भी थे और उन्होंने को फाउंडर थे, उन्होंने जेट एयरवेज के साथ मिलकर वो अकाशा एयर में अभी नया लॉन्च किया उन्होंने, ठीक है। और ही वॉज इन्वेस्टिगेटेड फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर में भी उनका नाम आया था। और झुनझुनवाला वॉज ऑफन रिफर टू एज अ इंडियाज वॉरेन बफेट, उनको कहा जाता था, उनको वॉरेन बफेट की उपाधि दी गई थी। और द बिग बुल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, यानी बुल आपको पता ही होगा कि मार्केट में बुल मतलब ऊपर की ओर जाने वाला, तो उन्हें बिग बुल कहा जाता था जो मार्केट को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। और एंड वॉज अ वाइडली नोन फॉर ही स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन एंड अ बुलिश आउटलुक, ठीक है। तो उनका आउटलुक हमेशा बुलिश होता था कि किसी भी अच्छे शेयर पे, और उनको प्रिडिक्शन भी सही होता था। और अर्ली लाइफ इनके बारे में अगर थोड़ा जानना है तो वो राजस्थानी मारवाड़ी फैमिली में पैदा हुए हैं इन बॉम्बे, वेयर हिज फादर वर्क एज अ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स के अंदर उनके फादर काम करते थे। और सरनेम इंडिकेट्स, जैसे झुनझुनू होता है वैसा राजस्थान में वैसा उनका सरनेम है। और ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम सिडनाम कॉलेज
और एंड देयर आफ्टर एनरोल एट ऑल द इन एट द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया में वो सीए बने। उनका करियर स्टार्ट होता है जैसे, देखो उनका इंटरेस्ट ये स्टॉक मार्केट में आया कैसे, तो उनके फादर जब मार्केट के बारे में डिस्कस करते थे उनके फ्रेंड्स के साथ, तो उनको इंटरेस्ट आया कि ये मार्केट क्या है। वाइल हिज फादर गाइडेड हिम ऑन द स्टॉक मार्केट एंड ही नेवर गेव हिम मनी टू इन्वेस्ट एंड फॉरबेड हिम फॉर आस्किंग फ्रेंड फॉर मनी। With his saving at hand, Rakesh started investing in early when in college. तो college के time पर उन्होंने invest कर लिया, beginning with the 5000 capital in 1985 saving से उन्होंने कर लिया। और झुंझुनवाला first big profit came, कितना बनाया उन्होंने, came the form of 5 lakh इन 1986 के अंदर। देखो ये 5 लाख रुपया उन्होंने बनाया 5000 का। और बिटवीन 1986 एंड 1989 ही अर्न ऑलमोस्ट 20 से 25 लाख उन्होंने वो टाइम पे कमाए हैं देखो। और बाय 2022 ठीक है, यानी देखो 25 साल की उम्र में उन्होंने स्टार्ट किया और 26वें साल में उन्होंने 5 लाख रुपया भी कमा लिया। और 2-3 साल बाद उन्होंने देखो 20 से 25 लाख कमा लिया। बाय अभी 2022 तक इनकी इन्वेस्टमेंट देखो 11000 करोड़ की हो गई थी, 2021 में फिर से और भी बढ़ गई। और टाइटन में सबसे ज़्यादा उनका नेटवर्थ बना है, टाइटन ने बहुत कमा के दिया उनको ठीक है। और ही मैनेज हिज ओन पोर्टफोलियो एज अ पार्टनर इन हिज असेट मैनेजमेंट फर्म रेयर इंटरप्राइजेस में भी करते हैं और खुद भी खुद का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। बिसाइड्स बीइंग एन एक्टिव इन्वेस्टर, झुंझुनवाला वाज द चेयरमैन ऑफ एपटेक। देखो इन्वेस्टर भी है और साथ में वो चेयरमैन भी एपटेक में बने हैं और हंगामा डिजिटल मीडिया इंटरटेनमेंट में भी है। एंड सेट ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इस पे बड़ी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी वो पद संभाल रहे हैं। और प्राइम फोकस के अंदर, जियोजित फाइनेंशियल के अंदर, बिल्केयर लिमिटेड, प्राज इंडस्ट्रीज और प्रोवोग इंडिया लिमिटेड, कॉन्कॉर्ड बायोटेक लिमिटेड और इनोवासिंथ टेक्नोलॉजी और मिड डे मल्टीमीडिया लिमिटेड, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, वाइस रॉय होटल्स लिमिटेड एंड टॉप सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। इसके अंदर वो उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो शामिल है ये सारी कंपनियों में। ही वॉज ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ द बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ठीक है। और इन 2013 में वो झुंझुनवाला बॉट्स 6 से 12 यूनिट उन्होंने खरीदे रिजवे अपार्टमेंट्स एट मलबार हिल और फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक फॉर ₹176 करोड़ ठीक है। और लेटर 2017 के अंदर ही बॉट द अदर 6 अपार्टमेंट इन द बिल्डिंग फ्रॉम HSBC फॉर ₹195 करोड़ इन 2021। ही कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज न्यू 70,000 स्क्वायर फीट 13 स्टोरे होम आफ्टर द डेमोलिशन ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग इन 2021। ही को फाउंडेड आकाशा एयर, को फाउंडेड है और किन के साथ, ये लो कॉस्ट एयरलाइन उन्होंने बनाई है विद द फॉर्मर जेट एयरवेज के जो CEO है विनय दुबे, उनके साथ मिलकर इन्होंने ये बनाया है। द न्यू एयरलाइन हैज़ 2 एयरक्राफ्ट है और विद द एडिशनल ऑर्डर फॉर 70 मोर एयरक्राफ्ट। एंड एज ऑफ ऑगस्ट 2022 में उनका फ्लाइज टू 3 सिटीज ठीक है, फ्लाइज टू 3 सिटीज, 3 सिटीज के अंदर वो फ्लाई करेगा। और इनकी कंट्रोवर्सी एक हुई थी जो है कि इनसाइडर ट्रेडिंग की कंट्रोवर्सी उन पर हुई थी, सेबी ने उन पर ये आरोप लगाया था इनसाइडर ट्रेडिंग का। और पेमेंट ऑफ 35 करोड़ फ्रॉम झुंझुनवाला से उन्होंने सेबी हैड सेटल द इशू आफ्टर टोटल पेमेंट 35 करोड़ फ्रॉम झुंझुनवाला एंड हिज एसोसिएट। और झुंझुनवाला पेड 18.5 करोड़ एंड हिज वाइफ पेड 3.2 करोड़ ठीक है। और ये फिलंथ्रोपी भी थे, यानी समाज सेवा भी करते थे, लोगों का अपना जो भी वेल्थ का है उसमें से लोगों के लिए जो जिनको मदद की ज़रूरत होती है, जैसे
तो वो भी चीज़ें सोसाइटी के लिए भी रिटर्न देना पड़ता है, तो वो चीज़ें भी वो करते थे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो राकेश झुंझुनवाला प्लान्स टू डोनेट अ क्वार्टर, क्वार्टर यानी होता है 25%, तो 25% उनकी वेल्थ का वो चैरिटी में देते थे। और हिज फिलैंथ्रोपी पोर्टफोलियो इंक्लूडेड हेल्थ केयर था उसके अंदर उनके पोर्टफोलियो में वैसे, जो और एजुकेशन था, एजुकेशन रिलेटेड इनिशिएटिव्स रहेंगे, सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन सच एज सेंट जोड, अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन, अशोका यूनिवर्सिटी, फ्रेंड्स ऑफ ट्रिबल सोसाइटी एंड ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। ही वॉज ऑल्सो एक्टिव इन एफर्ट्स कंस्ट्रक्ट एन आई हॉस्पिटल इन नवी मुंबई। ठीक है, तो उसके अंदर भी उन्होंने अच्छा खासा सपोर्ट किया हुआ है। अभी हमने पर्सनल लाइफ तो देख ली उनकी, तो उनके बारे में पता चल गया, अभी उनके पोर्टफोलियो के बारे में भी जान लेते हैं। तो पोर्टफोलियो उनका कैसा है, कौन से स्टॉक है उनके पास, और उसमें अगर आप भी इन्वेस्टेड रहते तो कितना आपको रिटर्न्स मिलता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले एस्कॉट, ये है इनके पास, और एस्कॉट देखो सालाना 39% CAGR के हिसाब से रिटर्न्स देता है, यानी अगर आप 10 साल ये कंपनी में इन्वेस्टेड रहते तो आपका लगभग 26 लाख 92,000 यानी लगभग 27 लाख तक तो आपको आपका पैसा बन जाता। तो ऐसा स्टॉक इनके पास है। उन्होंने देखो 307 करोड़ या 8 करोड़ तक उनका 307-8 करोड़ यहाँ पर उन्होंने लगाए हुए होल्डिंग वैल्यू, और क्वांटिटीज़ कितनी है यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो 18 लाख तक की क्वांटिटीज़ उन्होंने उठाई हुई है। आयोन एक्सचेंज देखो सालाना 29% देता है और 12 लाख बन जाते हैं अगर 10 साल इसको होल्ड करते, तो ये 10 साल के रिटर्न्स है। तो 10 साल अगर ये कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट करता तो उसको इतने रिटर्न्स मिल जाते हैं, लगभग 12,76,000। ठीक है, तो यहाँ पर 1% से कम है, इस वजह से यहाँ पर आपको होल्डिंग वैल्यू और अदर डिटेल्स नहीं देखने मिलेगी। और टाइटन देखो 27%, ये सबसे ज़्यादा कमा के देने वाला शेयर है उनके पोर्टफोलियो का, सबसे ज़्यादा क्वांटिटीज़ भी यहाँ पर देख सकते हो क्वांटिटीज़ कितनी है, लगभग 4-4.5 करोड़ तक तो इनके पास ये क्वांटिटीज़ है। और उनकी वैल्यू देखो 11,000 करोड़, तो सिर्फ और सिर्फ टाइटन से ही, टाइटन की ही वैल्यू है। ठीक है, और उसमें अगर इन्वेस्टेड रहते तो देखो 10 लाख रुपया बन जाता या 11 लाख, 10,91,000। तो ये अगर सालाना ये 27% के हिसाब से है ये रिटर्न, अगर 1 लाख किसी ने इन्वेस्ट करके रखा होता तो ये शेयर के अंदर। और फर्स्ट सॉफ्ट सोल्यूशन के अंदर अगर किसी ने इसमें पैसे लगाए होते तो वो भी सेम 27% के हिसाब से रिटर्न दे रहा है, और फिलहाल इसमें भी कम है उनकी होल्डिंग, इस वजह से यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, पहले अगर 1% से नीचे जाती है तो होल्डिंग यहाँ पर शो नहीं होती है। और टाटा कम्युनिकेशन भी 22% के हिसाब से सालाना रिटर्न देती है। देखो 7.5 लाख के आसपास आपका रिटर्न बन जाता अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करके रखते और जस्ट 10 साल बाद देखते तो। ठीक है, तो उसमें भी उनका इन्वेस्टमेंट देखो लगभग 336 करोड़ का है, क्वांटिटीज यहाँ पर लिखी है 30,000 तक है, तो ये बाद में जाके काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको आगे देखने मिल सकते हैं। तो उनका इन्वेस्टमेंट तो है इसके अंदर। VIP इंडस्ट्रीज़, ये भी सालाना 22% देता है, देखो 7,30,000 बन जाता है, ये 1% से कम की इन्वेस्टमेंट होने की वजह से यहाँ पर डिटेल्स बाकी शो नहीं कर रही है। ठीक है, इंडियन होटल्स कंपनी भी देखो 17% का सालाना रिटर्न देती है, 4,80,000 बन जाता 10 साल अगर इसमें इन्वेस्ट करते तो, और 816 करोड़ इनका इन्वेस्टमेंट है। देखो इसमें भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ खरीदी हुई है, लगभग 3 करोड़ यहाँ पर क्वांटिटीज़ नज़र आ रही है। तो ये जून के भी होल्डिंग्स है यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन होटल्स के भी उन्होंने लेके रखा है। क्राइसिल के भी देखो यहाँ पर लगभग 1,300 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, 40 लाख क्वांटिटीज़ है, 14% सालाना रिटर्न देती है। तो यहाँ पर देख लो किस तरीके के रिटर्न्स है। और मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है 13% सालाना रिटर्न देती है, 40 करोड़ इसमें इन्वेस्टेड है, 45 लाख क्वांटिटीज़ ये खरीद चुके हैं, यानी लगभग अभी वैल्यू देखो 3,39,000
बन जाता अगर इन्वेस्टेड इसमें रहते तो, और क्राइसिल 370,000 बन जाता, तो यहाँ पर रिटर्न्स देखो कितना बनता 10 साल में, लेकिन इनकी क्वांटिटीज देखो ठीक है। और मैन का हमने देख लिया, एपटेक के तो हमने देखा ये सीईओ भी है, चेयरपर्सन भी है, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर उनकी वैल्यू है 225 करोड़, और लगभग वैल्यू देखो और क्वांटिटीज देखो 96 लाख शेयर्स खरीदे हुए, 96 लाख काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ है, लेकिन इसमें देखो कितनी वैल्यू बन जाती 10 साल के अंदर 3,10,000 ही बन जाता, लेकिन क्वांटिटीज़ मेन मैटर करती है, तो उनके पास क्वांटिटीज़ ज़्यादा है। डेल्टा कॉप देख लो, डेल्टा कॉप के अंदर 12% ही मिलता सालाना, लेकिन इसमें 1% से कम है, इस वजह से यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, लेकिन 12% के हिसाब से सेम रिटर्न यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं 3,10,000। और अनंत राज 11% के हिसाब से रिटर्न्स देखने मिलते हैं, तो 67 करोड़ यहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट है, और लगभग 1 करोड़ वैल्यू उन्होंने डा 1 करोड़ क्वांटिटीज़ उन्होंने खरीदी हुई अनंत राज की, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू देखो कितनी हो जाती है 2,83,000। और फोर्टिस हेल्थ केयर ये भी 11% ही आपको सालाना देता, और वैल्यू सेम हो जाती है आपकी, तो 2,83,000, लेकिन क्वांटिटीज़ देखो 3 करोड़ खरीदा हुआ है, 3,19,00,000, तो क्वांटिटीज़ मैटर करती है, तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटीज़, और सालाना देखो इनको इतने भी इनफ ही है, इस वजह से इन्होंने इतना क्वांटिटीज़ खरीदा है। फेडरल बैंक की भी क्वांटिटीज़ देखो 7 करोड़ है, 7.5 करोड़ है, इतनी क्वांटिटीज़ खरीदी है 839 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, होल्डिंग वैल्यू है, और यहाँ पर देखो कितना बन जाता 10% ये सालाना देता है, तो 2,59,000 ही बनता है ठीक है। जियोजित फाइनेंशियल इस पर भी 10% ही मिलता सालाना, और 2,59,000 बनता, लेकिन क्वांटिटीज़ देखो, क्वांटिटीज़ 1,80,00,000 उन्होंने क्वांटिटीज़ खरीद के रखी है। एनसीसी देखो, एनसीसी के 10% यहाँ पर आपको सीएजीआर मिलता सालाना, और 505 करोड़ यहाँ पर उनकी होल्डिंग है, 7,83,00,000 का उनकी इन्वेस्टमेंट है ठीक है। और जुबिलेंट फार्मोवा लिमिटेड, तो ये 9% दे रही है सालाना, 9% के हिसाब से देखो कितना बन जाता 2,37,377 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट है, होल्डिंग वैल्यू है, 1 करोड़ के शेयर्स उन्होंने है, 1 करोड़ क्वांटिटीज़ उनके पास है। और टाटा मोटर्स 7% देता है सालाना रिटर्न्स, और यहाँ पर देखो यानी 10 साल का ये 7% के हिसाब से आपका बन जाता 1,96,000, लेकिन उनके 1,700 करोड़ यहाँ पर होल्डिंग वैल्यू है, और 3 करोड़ खरीदे हुए, 3,62,50,000 यहाँ पर शेयर्स उनके पास है। और यहाँ पर TV18 के देख लो, TV18 ब्रॉडकास्ट यहाँ पर 1% से कम होने की वजह से यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, लेकिन आप अगर इसमें इन्वेस्टेड रहते तो सेम 7% के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलते हैं। और एडलवाइज फाइनेंशियल 6% के हिसाब से रिटर्न मिलते हैं, लेकिन लगभग 1.5 करोड़ तो उनके पास अभी भी शेयर्स पड़े हैं, 86 करोड़ का इनकी वैल्यू है। रैलिस इंडिया इसमें 6% सालाना मिलता है, और इसके अंदर भी उनकी देखो 1,90,00,000 शेयर्स इनके पास है, और यहाँ पर आप देख लो 428 करोड़ की उनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू, होल्डिंग वैल्यू है पोर्टफोलियो में। और यहाँ पर GMR इंफ्रास्ट्रक्चर 1% से कम होने की वजह से यहाँ पर नहीं शो कर रहा है ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको 6% ही सालाना रिटर्न्स मिलते। और एग्रोटेक फूड इसमें देखो 5% सालाना रिटर्न मिलते, आपके 10 साल में जस्ट 1,62,000 ही बन जाते, लेकिन इनकी वैल्यू देखो 2,000,000 शेयर खरीदे हुए 156 करोड़ के हिसाब से ठीक है। और यहाँ पर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी 4% ही सालाना रिटर्न्स मिलता आपको, लेकिन यहाँ पर 1,48,000 बन जाता, और ये बेलो 1% के नीचे होने की वजह से यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। इंडियाबुल रियल एस्टेट भी 3% सालाना मिलता, 1,34,000 बन जाते आपके, तो वहाँ पर भी 1% से कम होने की वजह से आपको नहीं दिखेगा। लुपिन में भी पैसा अगर 10 साल लगा के रखते तो 2% मिलता, और 1,21,000 ही बनता, लेकिन यहाँ पर भी 1% से कम है होने की वजह से यहाँ पर आपको क्वांटिटीज़ वगैरह नहीं दिखाई देगी ठीक है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया इस ये भी सालाना 1% के हिसाब से रिटर्न देता, तो देखो यहाँ पर
110,000 ही बन जाता, लेकिन यहाँ पर भी 1% से कम होल्डिंग होने की वजह से यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। और यहाँ पर ओरिएंट सीमेंट, ये देखो यहाँ पर 0% है, तो 0% यानी आपको साल 10 साल भी रखते तो कोई यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते, लेकिन इसमें 25 लाख क्वांटिटीज़ यहाँ पर खरीदी हुई है, लगभग 28 करोड़ इसमें इन्वेस्टेड है। देखो कम इन्वेस्टेड है, इसमें 7.5 करोड़ इन्वेस्टेड है, लगभग 7.7 करोड़, और 31 लाख क्वांटिटी है, 31.5 लाख क्वांटिटीज़ है। अगर आप देखो ये सारे शेयर्स में इतने जो यहाँ पर लिखे हैं उसमें डालते तो उतने के उतने ही रहते हैं लगभग 10 साल के अंदर भी। और प्रोजोन यहाँ पर भी देख लो 7.5 है, और ये वाटेक बाग, ठीक है, वाबाग लिमिटेड, इसके अंदर भी आप देख लो 124 करोड़ की होल्डिंग वैल्यू इनकी है और 50 लाख क्वांटिटीज़ खरीदे, और लेकिन आपकी वैल्यू उतनी की उतनी रहती अगर 10 साल में आप इसमें रहते तो। इसमें भी 50 लाख क्वांटिटीज़ खरीदी हुई है, देखो क्वांटिटीज़ ज़्यादा खरीदते थे। डिशमैन कार्बोजेन एम की वो कंपनी के अंदर उन्होंने ख़रीदा है, और यहाँ पर जस्ट 1 लाख का 1 लाख ही रहता, 57 करोड़ यहाँ पर डाला हुआ है। जुबिलेंट यहाँ पर इंगरविया लिमिटेड ये भी है, और इसके अंदर देखो लगभग 1 लाख का 1 लाख ही रहता, लेकिन 358 करोड़ का इनका होल्डिंग वैल्यू है और 75 लाख क्वांटिटीज़ इनके पास है। और यहाँ पर देखो मेट्रो ब्रांड्स, इसके देखो 3 करोड़ 91 लाख इसके शेयर्स इन्होंने ख़रीदे हुए हैं, लगभग वैल्यू देखो 3,348 करोड़, मतलब 3300 करोड़ का इनका होल्डिंग वैल्यू है, और तो ज़्यादा ही है। और स्टार हेल्थ में भी 7,000 करोड़ का होल्डिंग वैल्यू है, काफ़ी ज़्यादा इसमें भी पैसा है, ठीक है, लेकिन इसकी क्वांटिटीज़ देखो स्टार हेल्थ पे इतना ट्रस्ट है, ये 10 करोड़ क्वांटिटीज़ खरीद के रखा है। तो ये होता है कॉन्फिडेंस, देखो अभी तो इनके रिटर्न्स यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे, लेकिन उन्होंने फ्यूचर देख लिया कि ये शेयर आगे जाके काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। नज़ारा टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो देखो 65 लाख उनके पास क्वांटिटी है, 423 करोड़ यहाँ पर उनके पास होल्डिंग वैल्यू है उनकी, लेकिन आपका 10 साल में कुछ नहीं बनता यहाँ पर। और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो है उसमें भी 1 लाख लगाते कुछ नहीं यहाँ पर बनता, लेकिन 55 लाख वैल्यू, 55 लाख क्वांटिटीज़ उनके पास है, 68 करोड़ उन्होंने डाला हुआ है। और यहाँ पर देख लो प्रकाश इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर भी उनकी होल्डिंग कम है, इस वजह से यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, लेकिन आपका कुछ यहाँ पर रिटर्न्स नहीं बनता प्रकाश इंडस्ट्रीज़ में भी। स्टील सेल में भी कुछ यहाँ पर रिटर्न्स नहीं बनते 10 साल के अंदर। हेड्स यूपी वेंचर्स, 1 लाख का कुछ यहाँ पर रिटर्न्स नहीं बनता। प्रकाश पाइप में भी कुछ नहीं बनता, और टार्स में भी कुछ नहीं बनता यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर करूर वैश्य बैंक में भी यहाँ पर आप देख लो 90,000 आपका 1 लाख का यहाँ पर अभी माइनस में चालू हो रहा है। करूर वैश्य बैंक में देखो सालाना 1% माइनस में, यानी फिर भी इसमें 3.5 करोड़ उनका यहाँ पर क्वांटिटीज़ है, 229 करोड़ पैसा लगा हुआ है। देखो वहाँ पर भी कितनी क्वांटिटीज़ खरीदे, तो कभी कभी उनके भी डिसीजन में देख लो ये माइनस में 1% 10 साल से दे रहा है, और ये भी काफ़ी टाइम से उनके पास है। डीबी रियलिटी भी देखो सालाना 2% माइनस में दे रहा है, तो 1 लाख का यहाँ पर देखो 81,000 बन जाता, और 30 करोड़ यहाँ पर लगाए हुए है, होल्डिंग वैल्यू है 50 लाख क्वांटिटीज़ है। और कैनरा बैंक 4% सालाना माइनस में जा रहा है, और 66 वैल्यू बन जाती 66,000, लेकिन 822 करोड़ की होल्डिंग वैल्यू है उनकी, 3.5 करोड़ इसमें भी लगाया हुआ है कैनरा बैंक में भी। और ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज़, इस पर भी उनका देखो इन्वेस्टमेंट 13 करोड़ का है, 17.5 लाख क्वांटिटीज़ है, 7% सालाना गिर रहा है ये, 48,000 बन जाता है 1 लाख का 10 साल के अंदर। और बिल केयर, इसमें देखो सालाना 8% गिर रहा है, तो 43,000 बन जाता, और 12 करोड़ इन्वेस्टेड है, 19-20 लाख की क्वांटिटीज़ यहाँ पर उनके पास है। यहाँ पर देखो वॉकार्ड 15% गिरा हुआ है, सालाना 15% गिर रहा है, और कितना बन जाता देखो 19,000 बन जाता अगर आप इसमें 10 साल वेट करते तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 71 करोड़ उनका पैसा लगा हुआ है, 30 लाख क्वांटिटीज़ वोकार्ड के भी खरीद के रखे हैं। तो इन्होंने फ्यूचर देख लिया है और बाकी कुछ नहीं, ये सारे जो माइनस में दिख रहे हैं आपको रिटर्न्स, वो सारे शेयर्स के आप नेट प्रॉफिट चेक करना, तो नेट प्रॉफिट में ये बहुत कम इनके नेट प्रॉफिट रहेंगे या कंटिन्यूसली लॉस में रहेंगे ये कंपनीज, तभी ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी। तो इस तरीका का इनका पोर्टफोलियो है, मुझे जस्ट आपको इतना ही बताना है, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी
रहेगा, उसके पोर्टफोलियो भी सेम आपके जैसे ही होंगे, लेकिन वो कचरा नहीं खरीदते। जैसे यहाँ पर ये कचरा स्टॉक नहीं है, एक एक रुपया दो दो रुपये वाले स्टॉक नहीं है, अच्छे से अच्छा वैल्यूएबल स्टॉक खरीदते हैं जिससे लॉन्ग टर्म में वो उनको अच्छा से अच्छा रिटर्न्स मिले। तो इसी ऐसे ही स्टॉक से उन्होंने अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं। अगर आप टाइटन की बात करोगे, टाइटन ऑलरेडी टाटा की कंपनी है, इस वजह से उन्होंने वो टाइम पे बेट लगाया था, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ खरीदी थी। और टाटा का मैनेजमेंट तो आपको पता है कि टाटा नुकसान नहीं करेगा, तो इस वजह से उनकी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ टाइटन ने दिया है। तो क्वांटिटीज़ किस चीज़ की खरीद के रखनी चाहिए आपको ये पता होना चाहिए। तो अभी देखो टाटा मोटर्स पे भी उसी तरीके का दाव लगाया है और इंडियन होटल्स पे भी लगाया है, तो ये होटल्स भी टाटा का ही है, तो मेजॉरिटी टाटा के उस पर उनका ज़्यादा भरोसा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 3.5 करोड़ 62 लाख यहाँ पर इन्वेस्टेड है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्टॉक में उनकी क्वांटिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से फ्यूचर में जाके उनका नेटवर्थ काफ़ी स्पीड में बढ़ जाता है। अगर 5-10 साल के अंदर उनका ये करोड़ों का 43 या 44 करोड़ के ऊपर इनका अभी नेटवर्थ जा चुका है, 43,000 करोड़ के ऊपर, तो आगे और 10 साल अगर वो रहते हैं तो उनका पोर्टफोलियो 1-2 लाख करोड़ में भी पहुंच जाता अगर और 5-10 साल ये पोर्टफोलियो वो कंटिन्यू करते। तो क्योंकि स्टॉक मूवमेंट करना चालू कर देता है और नेटवर्क ज़्यादा होने से या क्वांटिटीज़ ज़्यादा होने से और भी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देखने मिलते हैं, और सही स्टॉक में अच्छे स्टॉक में और ज़्यादा क्वांटिटीज़ होने से भी और मैनेजमेंट सही होने से। तो मेजॉरिटी चीज़ें देखो स्टॉक में क्वांटिटीज़ मैटर करती है, आपके पास कितनी क्वांटिटीज़ है। अगर ये स्टॉक में आप भी समझो सब में 1-1 लाख रुपए भी लगाते आपका 3 गुना पैसा हो जाता, यहाँ पर 1.43 करोड़, तो यहाँ पर आपका नुकसान भी नहीं होता यहाँ पर देखो, लेकिन आपका 3 गुना होना 10 साल के अंदर इससे भी वो भी एक अच्छे रिटर्न माना जा सकता है, 3 या 4 गुना आप भी पकड़ सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके के रिटर्न्स आपको अगर आप भी अच्छे से मैनेज कर पाओ पोर्टफोलियो को तो आपको भी हो सकते हैं। देखो वो कभी कभी बेच देते हैं तो कहीं कहीं पर देखो पहले स्टॉक ज़्यादा होते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पर दिसंबर में 5.20% था तो यहाँ पर बेच दिया, उनकी होल्डिंग कम कर दी, ठीक है, तो 1.40 हो गई। तो यहाँ पर थोड़े कभी कम होते कभी ज़्यादा होते कभी बेच देते हैं, तो इस तरीके का उनका भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है। तो कभी कभी देखो यहाँ पर 1.5% था लेकिन बाद में यहाँ पर दिखना बंद होता है, यानी वो बेच देते हैं कुछ क्वांटिटीज़, तो उसके वजह से 1% से कम हो जाता है। तो जहाँ पर लगे तो वहाँ पर क्वांटिटीज़ बढ़ा देते हैं, जहाँ पर लगे कि यार बेचना चाहिए तो वहाँ पर बेच देते। तो ये है उनकी पोर्टफोलियो। तो मुझे बहुत टाइम से उनके पोर्टफोलियो पर बनाना था वीडियो, और ये पोर्टफोलियो है बहुत लोगों के काम भी आ जाएगा कि आपको भी देखो यहाँ पर कोई कोई शेयर्स होते हैं जो बहुत अच्छे रिटर्न्स देते, कोई कोई कुछ सालाना रिटर्न्स कुछ भी नहीं है, तो आपके भी पोर्टफोलियो में वैसे शेयर्स हो सकते हैं। तो कोई यहाँ पर डरने की बात नहीं, आप भी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट पेशेंस कमाल करता है, पेशेंस रखना चाहिए, और जिसने जिसने पेशेंस रखा है उन्होंने वेल्थ क्रिएट किया है। तो पेशेंस रखो और आप भी अच्छे वेल्थ क्रिएट करो, ठीक है। रोज़ रोज़ ट्रेड करके रोज़ रोज़ से कुछ होता नहीं है। देखो वो भी स्टार्टिंग में ट्रेडिंग ही किया करते थे लेकिन बाद में पूरा का पूरा ध्यान उन्होंने यहाँ पर लगा दिया, पूरा इन्वेस्टिंग पे ध्यान लगाया, और ये है इनके रियल इन्वेस्टमेंट, तो इसी से अभी कमा रहे थे। तो आपको भी इन्वेस्टमेंट में ऐसे ही पैसा आएगा, तो इन्वेस्टेड रहो, स्टे इन्वेस्टेड और वेल्थ क्रिएट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।